20 नवंबर 2017 में आपका साथ कुशाग्र भारतीय मोक्षदा एकादशी ये सभी को शुभकामनाएं गीता जयंती की, क्योंकि मोक्षदा एकादशी जो है वो गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह 700 श्लोकों की किताब आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैं एक कल्चर मैंने क्रिश्चियनिटी में देखा, मैंने कल्चर ये इस्लाम में भी देखा है कि लोग गिफ्ट में कुरान देते हैं, गिफ्ट में बाइबल देते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है हर उस बंदे को जो सनातनी है कि आप गिफ्ट में आज के दिन मोक्षदायक एकादशी के दिन गिफ्ट में गीता दें। अब लोग ये कहते हैं कि गीता में मिलेगा क्या भाई? मैंने कहा एक बार पढ़ के देखिए, एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखिए, आपको पता पड़ेगा कि मिलेगा क्या। अगर बात करते हैं मिलने की, तो युधिष्ठिर, दुर्योधन जब गए थे तब क्या मिला था उन्हें? उनके पास सेना थी, धन थी, राज्य था, सब था। और अर्जुन के पास क्या था? अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे। अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, वो गीता का भगवान था जो गीता जिसने लिखी, पहली बात तो। और उस 700 श्लोक की बुकों में आप पूछते हो मेरे से क्या है, अगर एक बार पढ़ के देखोगे ना भाइयों तो पता पड़ जाएगा क्या है। एक बार पढ़ के देखोगे ना भाइयों तो पता पड़ जाएगा ना क्या है। लोग कहते हैं कि वो बहुत पुरानी हो गई है, ओल्ड फैशन है। भाई साहब ओल्ड फैशन जरूर है, एक बार पढ़ के देखिए वो 5200 साल पहले लिखी हुई बुक, आपको पता पड़ जाएगा कि क्या बुक में है और जो आज भी लाइफ में सत्य है, प्रकांड सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये लोग कहेंगे कि भाई ये इंडियन है तो हिंदुओं की बात कर रहा है, कुशाग्र हिंदुओं की। भाई नहीं, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है और मैंने गीता भी पढ़ा है। तो मुझे आज बताना था लोगों को, सोए हुए हो लोगों, जाग जाओ, आज गीता जयंती है तुम इसको भी मनाओ, आज गीता जयंती है तुम इसको भी मनाओ। साल में नया साल तो आता है, तुम नए साल पे लोगों को क्या देते हो? भाई कैलेंडर दे दिया, मेरे एक बार के कहने पे गीता बांटो। और गीता की कोई नहीं फेंकेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी धर्म का हो, ये सेकुलरिज्म है। आप गीता को पढ़ोगे, अगर गीता को आपने पढ़ा है तो उसमें कहीं किसी धर्म के बारे में बुराई नहीं लिखी है। जय हिंद, वंदे मातरम, ना जात ना धर्म, कुछ करके दिखाओ क्योंकि तुम में है दम। मैं हूँ कुशाग्र इंडियन और मेरा चैनल द इंडियन हिस्ट्री ऑफ 365 डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम।